Hello everybody, we will continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic notches and wears. So far we've discussed notches and wears. What are they? We've discussed the discharge over a rectangular notch and a triangular notch along with their derivations and numericals. We've also discussed the advantages of a triangular notch over a rectangular notch. So in this lecture we are going to discuss the discharge over a trapezoidal notch. अब ट्रेपेजॉइडल नॉच क्या होती है? ट्रेपेजॉइडल नॉच इस तरीके से जब आप एक ट्रेपेजियम की शेप में एक ओपनिंग बनाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रेपेजॉइडल नॉच। अब ये जो ये ट्रेपेजॉइडल नॉच है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा तो हो गया आपका ये रेक्टेंगुलर पोर्शन जो ये फॉर्म कर रहा है सेंटर। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर पोर्शन, इसको मैंने नाम दे दिया पार्ट वन। और जो दूसरा पोर्शन है वो है ये ट्रायंगुलर पोर्शन इस साइड का और दूसरा ट्रायंगुलर पोर्शन इस साइड का। जब आप इन दोनों पोर्शंस को जॉइन करते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट वी नॉच फॉर्म करती है। हमने ऐसा न्यूमेरिकल भी किया था। तो दिस इज थीटा बाय टू, यहाँ से दिस इज थीटा बाय टू, दूसरी साइड भी क्या है? थीटा बाय टू। सो टोटल क्या हो जाता है एंगल? टोटल एंगल बन जाता है थीटा। क्लियर? तो ये यहाँ पे आपके पास क्या आ जाती है? एक ट्रायंगुलर नॉच। अब हमने क्या करना है? हमने तो ट्रेपेजॉइडल नॉच से डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। हमें पता चल गया कि एक पार्ट आपका रेक्टेंगुलर नॉच है और दूसरा पार्ट क्या है आपका? ट्रायंगुलर नॉच। सो आई कैन राइट कि डिस्चार्ज थ्रू अ ट्रेपेजॉइडल नॉच या डिस्चार्ज ओवर अ ट्रेपेजॉइडल नॉच is equal to the discharge due to a rectangular notch plus discharge due to a V notch. So दोनों notches का जब आप discharge sum up कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है? Discharge over a trapezoidal notch. अब इसमें हमने क्या देखना है? सबसे पहले देखते हैं discharge through a rectangular notch. Rectangular notch का formula हम कर चुके हैं, it is 2 by 3 C D into L under the root of 2 G H to the power 3 by 2. So इसमें H क्या हो जाएगा? Rectangle के लिए H क्या है? ये वाली height है. And similarly triangle के लिए भी H क्या है? ये वाली height है. तो H तो दोनों notches के लिए क्या रहा? सेम रहा, ठीक है। एल क्या हो जाएगा? फॉर अ रेक्टेंगुलर नॉच एल विल बी दिस डिस्टेंस सी डी, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल देंगे? एल बोल देंगे। अब हमने क्या करना है? अब हमने देखना है इस वैल्यू सी डी, सी डी वन, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? सी डी वन। सी डी वन मतलब कि जो कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज है थ्रू अ rectangular notch. So this is the coefficient of discharge through a या for a rectangular notch. तो ये rectangular notch के लिए आपके पास जो coefficient of discharge आएगा उसको मैंने क्या बोल दिया? CD1. अब वैसे ही अगर आप V notch के लिए calculate करते हैं discharge तो हमें पता है formula is 8 by 15 इंटू सी डी, इसको बोल रही हूँ मैं सी डी टू, इंटू टैन थीटा बाय टू इंटू अंडर द रूट ऑफ टू जी एच टू द पावर फाइव बाय टू। तो ये भी क्या हो गया? सेम हो गया, सिर्फ सी डी टू क्या है? सी डी टू इज कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज ओवर अ या फॉर अ triangular notch, for a triangular notch, ठीक है? So ये हो गया आपका coefficient of discharge. अब हमने क्या देखना है? हमें तो ये formula चाहिए कि हम जो rectangular notch की वजह से हमारे पास discharge आया था जो first portion है और जो हमारे पास triangular notch की वजह से discharge आया था इसको जब मैं add up कर देती हूँ तो मेरे पास किसका डिस्चार्ज आ जाएगा? डिस्चार्ज ओवर अ ट्रेपेजॉइडल नॉच। सो
तो सिंपली मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ट्रेपेजियम के ट्रेपेजॉइडल नॉच के लिए, सो क्यू ट्रेपेजॉइडल विल बी इक्वल टू क्यू ट्रायंगुलर क्यू वी नॉच प्लस क्यू रेक्टेंगुलर, जो डिस्चार्ज किसकी वजह से है, ट्रायंगुलर नॉच और रेक्टेंगुलर नॉच की वजह से. सो आई कैन राइट क्यू ट्रेपेजॉइडल इज इक्वल टू 2 by 3 L C D 1 under the root of 2 G H to the power 3 by 2 plus 8 by 15 C D 2 under the root of 2 G tan theta by 2 H to the power 5 by 2. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका due to rectangular notch, and this total formula, this entire formula can be used to obtain the discharge for a trapezoidal notch. ये बहुत simple है, आपने triangular notch और जो rectangular notch है उनका sum कर दिया है सिर्फ उनके discharges का. बस ध्यान रखने की बात क्या है कि यहाँ पे CD1 है, यहाँ पे CD2 है. अगर आपको सिर्फ एक ही CD दिया हो तो हम क्या बोल सकते हैं, हम CD1 को किसके इक्वल मान सकते हैं, CD2 के इक्वल मान सकते हैं, और दोनों को किसके इक्वल ले लिया, CD के इक्वल ले लिया. अगर आपको सेपरेट दिए हैं वैल्यूज तो आप सेपरेट वैल्यूज यूज करेंगे, अगर आपको एक ही वैल्यू दिए तो आप दोनों के लिए क्या यूज कर लेंगे, सेम वैल्यू यूज कर लेंगे. क्लियर, सो लेट्स सी अ फ्यू न्यूमेरिकल्स. फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू अ ट्रेपेजॉइडल नॉच व्हिच इज 1.2 मीटर्स वाइड एट द टॉप एंड 0.45 मीटर्स एट द बॉटम and is 0.3 meters high. The head of water on the notch is 0.225 meters. Take CD is equal to 0.6. अब इस question में आपको पहले तो पता होना चाहिए कि given क्या है. हमें given है सबसे पहले तो कि notch कैसी है, trapezoidal notch है. तो trapezoidal notch अगर हमें given है तो हमें पता है कि अब हमें rectangular notch का भी देखना है और triangular notch का भी देखना है. दूसरा CD की सिर्फ एक वैल्यू दी है तो आई कैन राइट CD1 इज इक्वल टू CD2 इज इक्वल टू CD, दोनों के लिए सेम है और दोनों की वैल्यू कितनी है, 0.6. अब देता है द हेड ऑफ वाटर ऑन द नॉच इज 0.225, तो मुझे कैपिटल H कितना दे रखा है, 0.225 मीटर्स, कैपिटल H की वैल्यू भी दी है. अब डायमेंशंस नहीं दिया है तो डायमेंशंस के लिए उसने यहाँ पे लिखा है कि जो नॉच है वो ऊपर से फ्रॉम द टॉप इट इज 1.2 मीटर्स वाइड एंड 0.45 मीटर्स वाइड एट द बॉटम. सो अगर मैं एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करूं इस तरीके से तो ट्रेपीजियम की डायमेंशंस क्या गिवन है मुझे, ये बोलता है कि एट द टॉप, एट द टॉप मींस यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक मेरे पास डिस्टेंस दे रखा है 1.2 मीटर्स, और बॉटम में कितना दे रखा है, यहां पे दे रखा है 0.45 मीटर्स. ठीक है, और साथ में कुछ और भी दिया है, बोलता है कि जो हाइट है पूरी हाइट कितनी दे रखी है, 0.3 मीटर्स, यहां से लेके यहां तक कितनी हाइट है, 0.3 मीटर्स. अब हमें क्या बोला गया है, उसके बाद बोलता है हेड ऑफ वाटर, हेड ऑफ वाटर बोलता है कि कितना है, 0.225 मीटर्स. सो हमें पता चल रहा है कि पानी का जो लेवल है वो जो नॉच है उसमें थोड़ा सा, नॉच से थोड़ा सा नीचे है. सो दिस हाइट इज 0.225 मीटर्स, यहाँ पे पानी अवेलेबल है हमारे पास इस एरिया में. क्लियर, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस नॉच को पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. अगर मैं इसको यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, दिस इज वन पार्ट, दिस इज द अदर पार्ट, और ये इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया इस नॉच को. ठीक है, बीच के ये डायमेंशन कितनी आ गई, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करूँ, सो दिस डायमेंशन इज इक्वल टू 0.45. ये तो अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि नीचे अगर इतनी डायमेंशन है तो ऊपर भी कितनी हो जाएगी, 0.45 मीटर्स. सिंपल,
ये विड्थ जितनी है उतनी ही ये विड्थ होगी, क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं। अब ये टोटल लेंथ कितनी गिवन थी मुझे, टोटल लेंथ गिवन थी 1.2 मीटर्स। तो मेरे पास ये जो ये डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंस कितना हो गया, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है x, दिस डिस्टेंस इज x, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी x हो जाएगा। ये तो सिंपल बात से कि आपकी टोटल लेंथ कितनी है 1.2 मीटर्स। अगर आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रहे हैं और ये एंगल सेम है, जो अंडरस्टूड सी बात होती है कि ट्रेपेजॉइडल नॉच के लिए ये एंगल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो ये भी x रहेगा डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस x रहेगा, क्योंकि हाइट तो दोनों साइड के लिए क्या है, कॉन्स्टेंट है। सो मेरी इक्वेशन क्या बनती है, मेरी इक्वेशन बनती है 1.2 मीटर्स जो है दैट इज इक्वल टू 0.45 मीटर्स प्लस x प्लस x, यही है। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है 1.2 मीटर्स, 0.45 सेंटर का है, दोनों साइड क्या है मेरे पास, x है। सो आई कैन राइट 1.2 माइनस 0.45 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, तो x कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.2 माइनस 0.45 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 0.375 मीटर्स। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई 0.375 मीटर्स, 0.5 मीटर्स, वैसे ही यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी 0.375 मीटर्स। सो ये हमें पहले कैलकुलेट करना होगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये हमने क्वेश्चन में गिवन डेटा से कैलकुलेट किया है। अब मुझे तो क्या चाहिए होता है, मुझे तो ये एंगल चाहिए थीटा बाय 2, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है वो इस पे डिपेंड करता है। सो थीटा बाय 2, और मुझे इनडायरेक्टली क्या, मतलब मुझे डायरेक्टली क्या चाहिए होता है, टैन थीटा बाय 2। सो व्हाट इज टैन, टैन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस और बेस क्या आ जाएगा, ये वाला हाइट। तो ये वाली हाइट कितनी गिवन है, 0.3 मीटर्स, ये डिस्टेंस कितना हो गया 0.375 मीटर्स। सो आई कैन राइट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0.375 और बेस कितना हो जाएगा 0.3। ये इम्पोर्टेंट है कि आप समझें कि हमें हाइट कहाँ तक लेनी है थीटा कैलकुलेट करने में, टॉप तक, क्योंकि पानी का तो जो मर्जी विड्थ हो, पानी का तो जो मर्जी डेप्थ हो, हमने तो अभी डायमेंशंस निकाल रहे हैं ट्रेपीजियम की, तो ट्रेपीजियम की डायमेंशंस कहाँ से आएगी, जो एक्चुअल मैक्सिमम डायमेंशंस है उनसे, क्लियर। सो इसकी वैल्यू आती है, टेन थीटा बाय टू की वैल्यू कैलकुलेट होती है 1.25, क्लियर। अब निकालते हैं अपना क्यू ट्रेपीजियम, क्यू ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, क्यू रेक्टेंगुलर प्लस क्यू ट्राइंगल, ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने V नॉच। सो लेट्स सी, हमारे पास है क्यू ट्रेपीजियम विल बी इक्वल टू क्यू ट्राइंगुलर, क्यू ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर के लिए क्या हो जाएगा 5/18, सॉरी 8/15 इंटू सी डी इंटू अंडर द रूट ऑफ 2g टैन थीटा बाय 2 एच टू द पावर 5/2 प्लस रेक्टेंगुलर के लिए क्या हो जाएगा 2/3l सी डी अंडर द रूट ऑफ 2g एच टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हमें गिवन है एक ही वैल्यू ऑफ सी डी, तो हमने सी डी वन इज इक्वल टू सी डी टू इज इक्वल टू सी डी लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या वैल्यूज लिखी है, सी डी लिखी है। तो हमारे पास आएगा 8/15 इंटू 0.6 इंटू 2 इंटू 9.81 1.25 इंटू 0.225 टू द पावर 5/2 प्लस 2/3 इंटू 0.45 इंटू 0.6
into under the root of 2 into 9.81 into 0.225 to the power 3 by 2. So, जब आप इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे आपके पास वैल्यूज आएंगी 0.042 प्लस 0.085 विच विल गिव मी अ वैल्यू ऑफ 0.127 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो दिस इज द डिस्चार्ज थ्रू माय ट्रेपेजॉइडल नॉच. ये आती है मेरे पास वैल्यू. क्लियर? सो सिंपल है, सिर्फ आपको इंडिविजुअल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और उनको सम कर देना है उनका. सो लेट्स सी अनदर न्यूमेरिकल. अ ट्रेपेजॉइडल नॉच विद साइड स्लोप्स 1:1 इज डिस्चार्जिंग 130 लीटर्स ऑफ वाटर पर सेकेंड अंडर अ हेड ऑफ 225 मिलीमीटर्स. फाइंड द विड्थ ऑफ द नॉच एट द एट इट्स बॉटम. टेक सीडी इज इक्वल टू 0.62. सो अगर मैं एक ट्रेपेजॉइडल नॉच बनाओ तो मुझे क्या गिवन है? सबसे पहले तो यही गिवन है, गिवन लिख लेते हैं कि नॉच कैसी है. ट्रेपेजॉइडल नॉच है. नेक्स्ट बोला गया है कि साइड स्लोप्स, ये वाली साइड स्लोप्स, ये स्लोप्स कितनी है? 1:1 है. क्लियर? नेक्स्ट गिवन है डिस्चार्ज कितना है 130 लीटर्स पर सेकेंड. लीटर्स पर सेकेंड को मीटर क्यूब पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? डिवाइडेड बाय 1000 विल बी मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो डिस्चार्ज कितना आ जाता है मेरे पास? मेरे पास डिस्चार्ज कैलकुलेट होता है इक्वल टू 0.13 मीटर क्यूब पर सेकेंड. क्लियर? अब मुझे गिवन है हेड ऑफ वाटर. तो एच कितना गिवन है? एच इज गिवन 225 मिलीमीटर्स विच कैन बी रिटन एज 0.225 मीटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे गिवन है 0.225 मीटर्स. सो दिस हाइट इज इक्वल टू 0.225 मीटर्स. क्लियर? अब हमने क्या करना है, फिर से मुझे इस ट्रेपेजॉइडल नॉच को पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. कैसे कैसे पार्ट्स? ये हो जाएंगे एक बीच का रेक्टेंगुलर पार्ट और ट्रायंगुलर पार्ट. ये एल मुझे फाइंड आउट करना है. सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस एल. अब जब 1:1 दिया है तो 1:1 का क्या मतलब होता है कि टैन थीटा बाय 2 की वैल्यू मुझे कितनी दे दी है? 1/1. सो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. टैन थीटा बाय 2 मतलब अगर ये हाइट आपके पास 0.225 है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 0.225 मीटर्स हो जाएगा. क्लियर? ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 0.225 मीटर्स. और ये बीच का एल हमें कैलकुलेट करना है. सो दिस इज माय क्वेश्चन. सो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं क्यू ट्रेपेजॉइडल विल बी इक्वल टू क्यू रेक्टेंगुलर प्लस क्यू वी नॉच. ठीक है, तो लेट्स सी. सो क्यू ट्रेपेजॉइडल विल बी इक्वल टू 2/3 सी डी एल. एल हमें ढूंढना था. एल इंटू अंडर द रूट ऑफ 2g एच टू द पावर 3/2 प्लस 8/15 इंटू सी डी इंटू टैन थीटा बाय 2 अंडर द रूट ऑफ 2g एच टू द पावर 5/2. सो इसमें जब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करती हूँ सो आई गेट 2/3 इंटू सी डी की वैल्यू है 0.62. एल हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ पे ट्रेपेजियम का लिख लेते हैं कि डिस्चार्ज कितना है 0.13 अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू 0.225 टू द पावर 3/2 प्लस 8/15 इंटू 0.62 इंटू
वन टेन थीटा बाय टू कितना है, वन इंटू टू इंटू 9.81 अंडर द रूट 0.225 टू द पावर 5/2। सो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आता है इक्वल टू 0.195 एल प्लस 0.035। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एल विल बी इक्वल टू 0.13 माइनस 0.035 डिवाइडेड बाय 0.195 जो कैलकुलेट करके आता है हमारे पास 0.49 मीटर्स। सो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.49 मीटर्स। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया हो कि हमने ट्रेपेजॉइडल नॉच के लिए कैसे डिस्चार्ज कैलकुलेट किया बाय जस्ट समिंग अप द डिस्चार्ज थ्रू अ रेक्टेंगुलर नॉच एंड अ ट्रायंगुलर नॉच। तो हमने इसके न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूला दोनों डिस्कस कर लिए हैं। इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अ स्टेप्ड नॉच। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।